वेलकम बैक यूट्यूब चैनल समलॉग कम्युनिकेशंस। एक और नया प्रोडक्ट बहुत ही पुराना है मार्केट के अंदर, QJ3005XE पावर सप्लाई, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, लीनियर बेस्ड है, ट्रांसफार्मर बेस्ड है, एसएम टेक्नोलॉजी से, एसएमपीएस टेक्नोलॉजी से अलग है। ट्रांसफार्मर बेस्ड और एसएमपीएस टेक्नोलॉजी में दोनों में बहुत फर्क होता है। एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होती है वो स्विच मोड पावर सप्लाई कहलाती है, उसमें कैपेसिटर को यूज किया जा सकता है करंट को स्टोरेज करने के लिए, और ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा ये होता है कि वो आपको लीनियर करंट देती है। जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट्स है उसके ऊपर जो भी आप चीजें चेक करेंगे उसमें थोड़ा आपको अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ये झटके से कभी करंट नहीं आती, बहुत स्मूथ करंट होती है। और ये हमेशा जो है पावर सप्लाई बहुत ही रफ एंड टफ होती है। एसएमपीएस में आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन बहुत रफ एंड टफ नहीं होगी, 100% हर एक फोन आपका बूट हो ये गारंटी नहीं है। ये जो पावर सप्लाई 5 एम्पियर की है, 30 वोल्ट है, 5 एम्पियर है, उन सभी टेक्नीशियंस के लिए बहुत यूजफुल है जो मोबाइल में सेलफोन यूज रिपेयर कर रहे हैं, टैबलेट रिपेयर कर रहे हैं, आईपैड रिपेयर कर रहे हैं, लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अदर्स जैसे कि एलसीडी वगैरह कंट्रोल कार्ड चेक करने हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी कंट्रोल कार्ड को चेक करने के लिए डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिन लोगों को रियल में काम करना आता है। पावर सप्लाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्मूथ करंट देती है, करंट की कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल एक्यूरेट करंट देती है। सबसे पहले मैं इसका करंट चेक करके दिखा देता हूं। मैंने एक मल्टीमीटर रखा हुआ है अपने पास, वहां रखना हाथ अपना, एक मैंने अपने पास ऑलरेडी मल्टीमीटर रखा हुआ है, ये जो मैं इसको डाल देता हूं उसके ऊपर, ये सामने मेरा आ गया। अभी ये ऑटो मोड के अंदर है और ऑटो मोड के अंदर रखने के लिए मैं इसको यहां पे रखा दिया। मैंने इसको दोबारा पकड़ेंगे, मैंने मल्टीमीटर लगाया, ये इसका नेगेटिव है पॉइंट और इसका पॉजिटिव पॉइंट है, तो जिसके ऊपर मैंने रखा है उस आउटपुट को देने के लिए इसको ऑटो मोड में डालना जरूरी था। ये अभी नैनो फैराड मोड के अंदर है इसलिए काम नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज कर देता हूं। ये ऑटो मोड में जैसे ही आएगा मैंने ऑटो मोड में डाला इसको, जितनी करंट आपने वहां रखी हुई है 8.55 वही आपको 8.54 शो कर रहा है। एक्यूरेसी आप देख लीजिए, ये मल्टीमीटर भी ट्रू आरएमएस के ऊपर है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देता है, साथ में स्पीकर वाला मल्टीमीटर है। और अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके अंदर सिर्फ 3 बटन दिए हुए, एक पावर ऑन ऑफ के लिए, एक आउटपुट के लिए, अगर आप ये दबा देंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगी आपकी, यहां से इसने आउटपुट देना आपको बंद कर दिया। देखिए दबाएंगे आप इसको तो ये आपको आउटपुट देगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है, जैसे ये जो बटन है इसका, ये इसकी पावर को कम ज्यादा करता है। अभी क्या है, मैंने इसके ऊपर फैन लगाया हुआ है, 5 वोल्ट पे रखते हैं हम लोग इसको, तो अगर आप फैन को चेक करना चाहते हैं कि चार्जिंग चल रही है नहीं चल रही है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये चार्जिंग ऑन हो गई, लाइट आ गई, उसके बाद आप फैन को ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो गया आपका, और अगर आप यूवी को ऑन करेंगे तो लाइट भी ऑन हो गई आपके साथ में, तो ये कंजप्शन भी उसने वहां बताने शुरू कर दी। तो एक एक पॉइंट की 4 डिजिट पावर सप्लाई है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी बात यह है। एक्यूरेसी के साथ साथ जो है आप कोई भी डिवाइस, बहुत ज्यादा टेस्टेड पावर सप्लाई है ये, एसएमपीएस की तरह नहीं है, जितना आपको जो वोल्टेज लिखी आ रही है वही देगी। और करंट का जहां तक इसकी सवाल है तो इसकी करंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है, आप मैंने इसको हटा दिया, यहां से जो है इसी करंट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आपको करंट सेट करनी है। आप आउटपुट बंद कीजिएगा तो अभी जो है ये आपको दिखा रहा है 3.5 एम्पियर दिखा रहा है, माइनस करनी है आप इधर ले जाइएगा, प्लस करना है आपको, करंट लिखा हुआ भी है, और टोटल जो है इसके अंदर आपको जो अवेलेबल एम्पियर मिलते हैं वो आपके 5 एम्पियर है, ये टोटल 5 एम्पियर के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको जितना रखना है आप उतना यहाँ से सेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी चीज की शॉर्टिंग निकाल रहे हैं तो आप लगाने के बाद इसके एम्पियर को हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं।
ज्यादा लोगों को मोबाइल के अंदर मैक्सिमम 3 एम्पीयर की जरूरत होती है नॉर्मल यूसेज के लिए। मैं बात नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट किलर की, नॉर्मली आप 3 एम्पीयर जो है सफिशियंट है आपके लिए। आप रख सकते हैं सीसी इसके अंदर ऑन है, कॉन्स्टेंट करंट जिसे हम बोल सकते हैं, सीवी भी इसके अंदर अवेलेबल है जिसे हम कॉन्स्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। तो इसके ऊपर रखे हम इसे इजिली यूज कर सकते हैं। तो जितने भी गैजेट्स हैं जिसके आप कंट्रोल कार्ड चेक करना चाहते हो, इधर आप किसी फील्ड में हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप ये पावर सप्लाई खरीद सकते हैं। और इस पावर सप्लाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा भले ही नहीं है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि ये अपने मुंह से बोलती है। आप अगर डीएसओ ऑसिलोस्कोप यूज कर रहे हैं तो आप इसकी वेवफॉर्म चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डीसी के अंदर जो वेवफॉर्म देगी वो स्क्वायर वेवफॉर्म देगी, स्ट्रेट वेवफॉर्म देगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं होगी वोल्टेज में और करंट के अंदर। कॉन्स्टेंट करंट देगी, कॉन्स्टेंट वोल्टेज देगी जहां पे आप सेट कर दोगे। मैक्सिमम वोल्ट जो है इसके 30 वोल्ट है और मैक्सिमम करंट मैंने आपको उसी बता दी। यहां से आप ये जो छोटा सा आपका लगा हुआ है प्रीसेट लगा हुआ है, इससे आप इसको चेंज करके अपनी करंट को बढ़ा सकते हैं, या ये आप जो कह सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर से ही चेंज होगी। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर आपको ये पावर सप्लाई चलानी नहीं आती तो आप इसे यूज ना करें अंटिल अनलेस जब तक आप इसे सीख ना लें, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ तो जरूर मौजूद है लेकिन ये लीनियर करंट के ऊपर है, ये इमीडिएट करंट दे देगी। अगर 5 एम्पीयर पर आपने लगा रखी है, आपकी डिवाइस मैक्सिमम 2 एम्पीयर को सपोर्ट करती है और आप 5 एम्पीयर की करंट उसको देंगे, अगर उसके अंदर कोई चीज शॉर्टिंग होगी तो वो इमीडिएटली सक कर जाएगी करंट को और वो पूरे का पूरा यूनिट आपका डैमेज हो सकता है। तो बी केयरफुल, यूज करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। जहां तक पावर सप्लाई की बात है, बहुत ही रफ एंड टफ पावर सप्लाई है, ये पहली पावर सप्लाई है सनशाइन की पावर सप्लाई है, बात जिसे मैं खुद भी लाइक करता हूँ। और इसका रिव्यूज जो है अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे तो मैं अकेला ही नहीं, सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं, मैक्सिमम लैपटॉप वाले भी इसको यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी आप वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने आपके फ्रेंड सर्कल्स में लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर अवेलेबल हैं उनके साथ आप प्लीज प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।